हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन विच वन इज ऑप्टेन बाय एस मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन ओरिजिन ऑफ लाइफ बिफोर 1953 सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट, हम पहले एक बार क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देखते हैं एंड फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्टेन किया गया था ओके सो जो की कांसेप्ट है वो है हमारे मिलर ओरे एक्सपेरिमेंट सो मिलर उरे का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में एक टर्म गिवन है एस मिलर वो क्या है सो एस मिलर फॉर स्टैंडले मिलर ये उनका नाम था स्टैंडले मिलर ओके सो ये मिलर का पूरा नाम था एस मिलर सो मिलर उरे का एक्सपेरिमेंट हुआ था इन 1953 उन्होंने ना इन्वेस्टिगेट किया था अबाउट द केमिकल ओरिजिन ऑफ अर्थ केमिकल ओरिजिन ऑफ अर्थ वो एक्चुअली ये जानना चाहते थे कि हमें उस टाइम तक कुछ कंडीशन बताती कि अर्थ पे ना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा थे लाइफ एग्जिस्ट करने से पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे अर्थ पे तो क्या हुआ कैसे हुआ कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये चीज बताने वाले हमें मिलर उरे का एक्सपेरिमेंट था सो so, अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की ओके okay, सो so ये जो एक्सपेरिमेंट था इस पे मिलर ने क्या किया इसमें मिलर ने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए तो हम पहले बात करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उन्होंने यूज किया तो सबसे पहले तो उन्होंने मिक्सचर लिया जिसमें उन्होंने वाटर इंक्लूड किया उन्होंने मीथेन इंक्लूड किया उन्होंने अमोनिया लिया ओके अमोनिया एंड हाइड्रोजन सो ये सारी चीजें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसिडर की राइट right? अब क्या हुआ कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो थे ना उस टाइम पे अर्थ पर एबंडेंट मात्रा में पाए जाते थे ठीक है अब उन्होंने क्या किया उन्होंने इसके साथ लाइटनिंग को स्टिमुलेट किया अब लाइटनिंग को कैसे स्टिमुलेट किया वहां पे ना जो वेसल था जो उन्होंने वेसल यूज किया था उस पर इलेक्ट्रिक करंट की कंटिन्यूस सप्लाई की इलेक्ट्रिक करंट की कंटिन्यूस सप्लाई की और जब ये उन्होंने लाइटनिंग को स्टिमुलेट किया ना उससे बने हमारे ऑर्गेनिक मोलिक्यूल इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये उन्होंने लैब के अंदर कंडक्ट किया था अब यहां बात करें कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से भी हमें कौन सा मिला था तो वो एक्चुअली हमें अमीनो एसिड्स बनते हुए दिखे थे अमीनो एसिड्स यही जो अमीनो एसिड्स है ना जब बहुत सारे अमीनो एसिड अपने आप को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो वो बन जाता है एक प्रोटीन ओके तो इसीलिए जो यहाँ पर मिले उरे का जो एक्सपेरिमेंट था वो सिग्निफिकेंस लाए इसीलिए करता है कि उन्होंने हमें बताया कि इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल जो थे जो अर्थ पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता था बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती थी उस वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बना द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बनावट कैसे हुई तो ये बताने वाले हमें एस मिलर थे तो विच वन इज ऑप्टेन एस मिलर इन एक्सपेरिमेंट इट इज अमीनो एसिड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के तहत साफ साफ अमीनो एसिड का प्रोडक्शन दिखाया था यही हम अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की जैसे ऑप्शन है सिंपल शुगर तो ऑप्शन ए हो जाएगा इनकरेक्ट क्योंकि हमने इसकी प्रोडक्शन नहीं देखी लैब में नेक्स्ट इस न्यूक्लियोटाइट न्यूक्लियोटाइट तो बहुत बाद में बनता है सबसे पहला जो सबसे फंडामेंटल जो ब्लॉक चाहिए हमें वो था अमीनो एसिड का सेम गोस फॉर पेप्टाइड पेप्टाइड की जो चेन होती है वो बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन से बनती है तो इसीलिए अमीनो एसिड जो था वो पहले बना ओके okay, तो इसीलिए ये जो तीन ऑप्शन हो गए वो हो गए हमारे लिए इन करेक्ट दी ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अमीनो एसिड आई होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक